तो दोस्तों, अगर आप भी इंस्टाग्राम पर अलग अलग लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके अब भूल चुके हैं कि किस किस को आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी और किसने आपकी एक्सेप्ट नहीं की और अब आप उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को अनसेंड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम खोल लेनी है। जैसे ही आप अपनी इंस्टाग्राम ऐप खोलेंगे, आपको प्रोफाइल सेक्शन में चले जाने। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद ऊपर आपको 3 बार्स दिखेंगी। वैसे ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कलर रकेशन, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। तो उन 3 बार्स पे क्लिक करते ही आपको नीचे एक सेटिंग्स की ऑप्शन दिखेगी, आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स के बाद आपको सिक्योरिटी नाम की एक ऑप्शन होती है, आपको जो सेटिंग्स में दिख जाएगी उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते सार आपको नीचे एक असेस डाटा की ऑप्शन मिलेगी, आपको उस पर भी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप असेस डाटा पे क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट का जितना भी डाटा होता है, डाटा की इन्फॉर्मेशन, वो आपको शो हो जाएगी। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे कनेक्शंस की ऑप्शन आएगी। कनेक्शंस पे नीचे आपको लिखा होगा करंट फॉलो रिक्वेस्ट, आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी जो आपने करंटली फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की हुई हैं वो आपको शो हो जाएंगी। और आप एक एक आईडी के जो यूज़र नेम है उसे पढ़कर, उसे सर्च मारकर अनफॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने जिनको भी फॉलो रिक्वेस्ट सेंड की होगी, आप उन्हें अनफॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी, ये वीडियो आपके लिए अच्छी हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल।